हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू क्लियर विजन क्लासेस यानी कि सीवीसी क्लासेस बाय केसी। तो आज का जो पहला सब्जेक्ट है जो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए वो है मिलिट्री साइंस, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज। ये कौन सी क्लास के लिए है? तो ये बीएससी और बीए वाले बच्चों के लिए है जो कि थर्ड ईयर में है। और ये टॉपिक और यूनिट जो है, यूनिट वन है, बुक वन है। एंड बुक, जो बुक की बात कर रही हूँ वो बुक का नाम है एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रैटेजिक थॉट्स। और इसका जो टॉपिक है वो चैप्टर वन का टॉपिक है, कौटिल्यास वॉर फिलॉसफी। अच्छा, इसमें जो चैप्टर है आपका वो है अप टू वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है, उसी का एक छोटा सा टॉपिक है कौटिल्यास वॉर फिलॉसफी। इसका पार्ट वन लेके आज मैं आपके सामने आई हूँ। ओके, तो पहले मैं थोड़ा सा कौटिल्य के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इंट्रोडक्शन में क्या है, कौटिल्य क्या थे, कौन थे और उनके बारे में, और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने हिंदी में आपको बताया कि कौटिल्यास वॉर फिलॉसफी यानी कि कौटिल्या का युद्ध दर्शन क्या है वो बताऊंगी आपको मैं। तो विदाउट नॉट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या है कि भारत का जो पुरातन इतिहास है यानी कि जो पुराना इतिहास है वो चाहे सामाजिक हो यानी कि सोशल हो, चाहे आपका राजनीतिक हो यानी कि पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक, एवं सैनिक यानी कि मिलिट्री, चाहे कोई भी इतिहास हो इंडियन हिस्ट्री में, वह इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मतलब क्या होता है? अधूरा, अधूरा है हमारे कौटिल्य अर्थशास्त्र के बिना, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि कितना ज्यादा जरूरी थे हमारे लिए कौटिल्य और उनका अर्थशास्त्र। ओके, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्राचीन भारत के जो महान, एक तो ये प्राचीन भारत के महान राजनीतिक थे, ठीक है। आचार्य कौटिल्य ने अपने युद्ध संबंधी जितने भी विचार थे और युद्ध दर्शन को इन्होंने अपने अर्थशास्त्र में बहुत ही बखूबी तरीके से एक्सप्रेस किया है, बताया है इन्होंने, ठीक है। तो अपने जितने भी महत्वपूर्ण थॉट थे, उनके महत्वपूर्ण विचार थे, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने एक बुक अर्थशास्त्र नामक में लिख के दी हुई है। तो ये चीज आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। इसमें क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार के जो सेना अंग थे, सैन्य संगठन, शस्त्रास्त्रों और युद्ध विभाग और शिविर एवं इनकी दुर्ग रचना तथा युद्ध कला आदि का भी इन्होंने सजीव चित्रण किया है, यानी कि वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रूप्स, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, आर्मामेंट्स, वार डिपार्टमेंट्स हैड बीन मेड बाय हिम, इन्हीं ने बनाया है, ठीक है। अपने विस्तृत सैन्य ज्ञान जो थे उनके, जो भी था उनका, और अनुभवों द्वारा इन्होंने न केवल मौर्य समाज की स्थापना की और ना ही इसके अलावा इन्होंने अपने अमूल्य योगदान से अपने इस काल की सैन्य पद्धति का भी विकास चरम बिंदु तक पहुंचाया था, यानी कि चरम बिंदु आपका जो है, इन्होंने अपने क्लाइमैक्स तक भी इसके इसका जो डेवलपमेंट है वो किया था, ठीक है। एक्सपेंशन जो था, मौर्य समाज जो था वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। आप ये चीज समझ रहे होंगे कि मौर्य समाज जो है वो इन्हीं द्वारा बनाया गया था। जो मौर्य पीरियड है उसको हम गिफ्ट भी कह सकते हैं इसी टैलेंटेड मिलिट्री एक्सपर्ट का, ठीक है। तो जो मौर्य समाज मैंने आपको बताया कि वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, तो उसका, उसी का ये जो देन है ये हम गिफ्ट कह सकते हैं इसका, इन्हीं के देन जो है वो मिलिट्री एक्सपर्ट इन्हीं द्वारा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद ये किस, इनको हम कौन कौन और नामों से जानते हैं वो भी बता देती हूँ। इनको हम चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त नामक नाम से भी हिस्ट्री में ये फेमस हैं। तो आप अगर कभी सुनते हैं चाणक्य, कभी सुनते हैं कौटिल्य, कभी विष्णुगुप्त, तो आप ये समझ जाइएगा कि ये कौटिल्य के ही नाम थे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताती हूँ कि इनके सैन्य विचार तथा स्ट्रैटेजिक योगदान इनका क्या था, यानी कि मिलिट्री आइडियाज और इनके स्ट्रैटेजिक कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थे, ठीक है। तो वो आइडियाज जो थे वो कुछ इस तरह से थे। तो क्या था? सेना अंगों एवं संगठन संबंधी विचार, यानी कि थॉट्स रिलेटेड टू आर्मी एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो वो बता देती हूँ आपको। इन द बुक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो बुक थी इनकी, इसमें इन्होंने चतुरंग बल की प्रधानता इनके उसमें थी। चतुरंग बल क्या थे? चतुरंग बल आपके थे इन्फेंट्री, चैरियट, कैवलरी और एलिफेंट्री, ठीक है। इनकी प्रधानता थी, प्रधानता मतलब इनकी प्रीडोमिनेंस थी। इसके अलावा इतना होने के बावजूद भी इन्होंने चार सहायक बल, सहायक बल मतलब फोर ऑक्सिलरी फोर्सेस के बारे में भी बताया था। अब फोर ऑक्सिलरी फोर्सेस कौन कौन सी हैं? पहली है आपकी नोबल फोर्स, द स्पेसिफिक फोर्स, द वेरिएबल फोर्स एंड द नेटिव फोर्स। इसको हम हिंदी में नोबल फोर्स ही बोलते हैं। स्पेसिफिक फोर्स को हम बोलते हैं विशिष्ट बल, वेरिएबल फोर्स को बोलते हैं हम चर बल, तथा ये जो आपकी नेटिव फोर्स है इसको हम बोलते हैं दैशिक बल। तो इसका इन्होंने विस्तार तरीके से इसमें बताया है, यानी कि इनकी फोर मेन फोर्सेस थी। फोर मेन फोर्सेस में आती हैं इनकी इन्फेंट्री, चैरियट, कैवलरी एंड एलिफेंट्री। यानी कि इन्फेंट्री मतलब पैदल, रथ,
अश्व एवं गज, ठीक है। इनके चार के अलावा इन्होंने फोर एक्सिलरी फोर्सेज यानी ये सहायक फोर्सेज हैं उसके बारे में भी बताया है। वो कौन कौन सी हैं? नोबल, स्पेसिफिक, वेरिएबल एंड द नेटिव फोर्स। आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर नाउ, ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या है कि इन्होंने कैवलरी फोर्सेज को क्या किया था, इनकी इसकी गतिशीलता, गतिशीलता मतलब इनकी मोबिलिटी की वजह से, जो आपकी चतुरंग बल के अंतर्गत उन्होंने गतिशीलता का महान गुण होने के नाते अश्वसेना जो थी उनकी, अश्वसेना मतलब उनकी जो कैवलरी फोर्सेस थी उसको जो है प्राथमिकता दी थी, तथा जो गज सेना थी उनकी उनके राजाओं को जीत का एक साधन माना था। यानी कि जो गज सेना थी उसकी जीत का साधन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक एलिफेंट्री जो इनकी फोर्सेस थी उनको माना था। आप समझ गए होंगे ये चीज, ठीक है। तो एलिफेंट्री जो सेना थी उसको उन्होंने एक जीत का साधन माना था किसी भी राजा के लिए। अच्छा, अब आते हैं हम, ये तो आपने थोड़ा सा थॉट्स रिलेटेड इनके आर्मी एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि जो इनकी कैवलरीज और एलिफेंट्री फोर्सेस थी उनका काम क्या था, मतलब ये इनके इसी आइडियाज और स्ट्रैटेजिक कंट्रीब्यूशन में ही आता है। तो मैं थोड़ा सा इनके काम के बारे में बता देती हूँ कि ऐसे कौन कौन से काम थे जो कैवलरीज आपकी और आपकी जो एलिफेंट आर्मी थी वो करा करती थी। तो क्या क्या काम था? तो ऐसा था कि सबसे पहले जो कैवलरीज थी उनके लिए इन इन कुछ सात तरीके के काम थे। तो सबसे पहला जो काम था इन लोगों का वो ये था कि जो सबसे उचित भूमि ढूंढना, जो वो कैंप्स लगाएंगे जहां पर भी जाकर, उसके लिए सबसे सूटेबल जगह ढूंढना, वो कैवलरीज का काम था। क्रॉसिंग द ऑड प्लेसेस मतलब जो विषम स्थान थे यानी कि ऑड प्लेसेस थी उनको पार करना, ठीक है। कैरिंग वॉर मटेरियल मतलब युद्ध सामग्री को ले जाना, ठीक है। फाइटिंग विद द एनिमी मतलब शत्रु से लड़ना, ठीक है। प्रोटेक्टिंग द आर्मी मतलब अपनी जो आर्मी है उसको बचाना, ठीक है। चेजिंग अ फ्लेजिंग एनिमी आर्मी, चेजिंग अ फ्लेजिंग आर्मी एनिमी आर्मी मतलब क्या है, भागी हुई शत्रु सेना का पीछा करना। आप ये समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये होता है, इसका मतलब होता है फ्लेजिंग मतलब आपका शत्रु सेना का पीछा करना, ठीक है। और चेजिंग स्नैचिंग एनिमी फंड्स मतलब शत्रु कोष को छीनना, अगर आपने कुछ पाया है तो उसको छीनना भी पड़ेगा उनसे, ठीक है। तो ये चीज, ये सब आपके कैवलरीज के काम थे। अब आते हैं हम एलिफेंट्री आर्मी के क्या काम थे। तो एलिफेंट्री आर्मी में क्या था कि एक्चुअल में ये विशालकाय जो हाथी थे यानी कि जाइंट एलिफेंट्स जो आपके थे, ये शत्रु की सेना, उनकी व्यू रचना और उनके जो दुर्ग थे यानी कि उनके जो फोर्ट्स थे और कैंटोनमेंट्स थे उनका विनाश करना इनका काम था, ठीक है। सबसे पहला काम जो था इन लोगों का यही था कि डिस्ट्रॉय करना, जितना हो सके हम डिस्ट्रॉय करें। एलिफेंट्री आर्मी इसीलिए यूज होती थी, ठीक है। अब आते हैं कुछ नौ पॉइंट्स हैं जो कि ये इनके मेन काम में आते हैं। तो वो मेन काम में क्या क्या है? मार्चिंग इन फ्रंट ऑफ द आर्मी, सबसे पहले जो गज सेना है वो क्या करती थी, गज सेना का काम होता था कि अपनी सेना जो थी उनकी उसके आगे चलना, ठीक है। अब दूसरा काम क्या था उनका? नए मार्ग बनाना, ठीक है, बिल्डिंग न्यू वेज हैबिटेट्स एंड वाटरवेज, ठीक है। अपनी जो इनका नए रास्ते बनाना, निवास स्थान बनाना, जल मार्ग बनाना, ये इनके काम थे। रिपेल एनिमीज, रिपेल एनिमीज का मतलब होता है शत्रुओं को पीछे हटाना, ठीक है। रिपेल एनिमीज का मतलब क्या होता है? शत्रुओं को पीछे हटाना भी इनका एक काम था, जैसे ये लोग भी थोड़ी बहुत हेल्प करते थे इसमें, ठीक है। क्रॉसिंग वाटर बॉडीज, क्रॉसिंग वाटर बॉडीज का मतलब ये होता है कि जो जल मार्ग है आपके, जो आपके शत्रु सेना जो जल है, जो जल आगे मतलब रिवर्स वगैरह पड़ते थे उसमें अगर पार करना है, तो हाथी जो होते थे वो बहुत जायंट होते थे तो वो बड़ी इजीली पार कर लेते थे, तो इसीलिए क्रॉसिंग वाटर बॉडीज में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण काम होता था, ठीक है। एनिमी आर्मी अगर अटैक करे तो उसके आगे एक लाइन में खड़े हो जाना, तो आपने एक बात सुनी होगी कि पंक्ति बद्ध करके ये लोग खड़े हो जाते थे अगर शत्रु सेना का आक्रमण होता था, ठीक है। और इनका फायर बुझाना यानी कि आग बुझाना, ये भी एक काम होता था। जंगलों में घुस जाना, वो भी एक काम होता था, ठीक है। शत्रु सेना जो थी उनकी, यानी कि शत्रु सेना जो थी यानी कि एनिमी जो थी उनको, एनिमी फोर्सेस को तितर बितर कर देना, स्कैटर कर देना, वो भी इनका काम था। ब्रेकिंग एनिमीज हाईएस्ट रूफ गेट्स, ठीक है। अब ये क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि शत्रु सेना जो थी उसके ऊंचे ऊंचे द्वार, अटारियां, अटारियां क्या होता है? रूफ्स होता है, यानी कि छतें होती हैं, ठीक है। उनके जो छत के गेट होते थे उनको तोड़ना, मतलब छतों तक जो गेट लगे होते थे बड़े बड़े उनको तोड़ना, तो वो भी इन्हीं का एक काम होता था। लास्ट इनका जो काम होता था वो ये होता था, कैरिंग बैक द एनिमीज फंड्स। अब सेम जो यहाँ पर था स्नैचिंग एनिमीज फंड्स, वही चीज है कि जो भी हमने एनिमी से पाया है, जो भी चीज हमें उन्हें मार धोड़ के मिली है, तो वो चीज कैरी करके अपने घर वापस लेके जाना, अपने राज्य में, अपने वहां पर वापस लेके जाना।
तो ये चीज़ हो गया इनका एलिफेंट्रियामी का काम। अच्छा, अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जो इनकी अर्थशास्त्र बुक थी उसमें इन्होंने क्या क्या मेंशन किया हुआ है और क्या क्या उसमें है। तो इन्होंने अपनी बुक्स में बहुत कुछ मेंशन किया है, मैंने आपको बताया जैसे कि ट्रेनिंग वगैरह सब किच के बारे में, लेकिन अभी मैं सिर्फ दो चीज़ आपको बताऊंगी जो इन्होंने अपनी बुक में बहुत अच्छी तरीके से मेंशन किया है। वो क्या है? क्लासिफिकेशन और ट्रेनिंग। ठीक है, क्लासिफिकेशन और ट्रेनिंग किसकी? हॉर्सेस की और एलिफेंट्स की। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमने हॉर्सेस के और यू नो एलिफेंट्स के बारे में पढ़ा है, तो उन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इसमें, इस वाले पार्ट वन में। ओके, तो इन्होंने क्या किया था कि जो अश्वाध्यक्ष था, अश्वाध्यक्ष कौन होता है भाई? अश्वों की सेना का अध्यक्ष होगा उसको बोलेंगे हम अश्वाध्यक्ष। ठीक है, उसको क्या किया था? उसको एक ऑर्डर किया था कि घोड़ों की आयु यानी कि एज, वर्ण मतलब उनकी ग्रुप, मार्क मतलब उनके चिन्ह, क्लास मतलब उनके वर्ग, कुल मतलब उनकी फैमिली, उनसे जो है उनके आधार पर हमारे उनको आदेश दिया कि उनके आधार पर अश्वों की जो है एक सूची बनाई जाए, एक लिस्ट बनाई जाए। ठीक है, उसके आधार पर उनको डिस्टिंग्विश किया जाएगा, उनकी उसके आधार पर उनको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ अश्वों की गति यानी कि मोबिलिटी, उनके मेडिकल्स मतलब उनके चिकित्सा वगैरह जो थे, और तथा उनकी डेली रूटीन्स यानी कि देखरेख और दिनचर्या का उल्लेख भी उन्होंने इस बुक में बहुत बखूबी किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको समझ आ गया होगा कि बुक में उन्होंने क्या क्या मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। आचार्य कौटिल्य जो थे उन्होंने 5 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स जो है वो हॉर्सेस के बारे में बताई हैं अर्थशास्त्र बुक में। ठीक है, तो कितने टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स है वो? ये आपकी 5 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? 5 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग है। वो कौन कौन सी 5 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग है? पहली है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन होता है आपका गोलाकार गति करना। ठीक है, गोलाकार गति करने को बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन। ये आपके हॉर्सेस की ट्रेनिंग्स के बारे में मैं बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्लो वॉकिंग वाइल कीपिंग ईयर्स लाइंड अप। इसका मतलब क्या होता है? सिर को कानों को सीध में रखते हुए धीमे चलना। इसका मतलब होता है सिर को कानों के सीध में रखकर धीरे चलना। ठीक है, ये चीज़ होती है। जंप ओवर मतलब लांगना फानना, गैलोप रनिंग मतलब होता है आपका सरपट चाल से दौड़ना, और मोबिलिटी अकॉर्डिंग टू इंडिकेशंस। मोबिलिटी अकॉर्डिंग टू इंडिकेशंस मतलब जैसे इशारा दे दिया उसी हिसाब से चलना। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 5 कौन सी ऐसी ट्रेनिंग थी जो हॉर्सेस को इन्होंने अर्थशास्त्र में उल्लेख करी है या बताई गई हैं। ठीक है, हॉर्सेस के लिए। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको। बहुत इजी है वैसे ये, है ना, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत ही मैं पॉइंट वाइज लेके आई हूँ चीज़ें ताकि आपको ज़्यादा हार्ड ना लगे। और अगर किसी भी बच्चे ने इसको एज अ टेस्ट करके दे दिया जाके, जो खासकर इंग्लिश वाले बच्चे हैं, और हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं नोट्स ज़रूर प्रोवाइड करूंगी PDF फॉर्म में। ठीक है, तो आप वहां से लिख सकते हैं। तो आप अगर एज इट इज़ ऐसा लिख के आ गए तो सच मानिए आपको पूरे के पूरे नंबर देने में कोई नहीं, कोई झिझकेगा नहीं, कोई कुछ नहीं होगा। आप 80% से अब बिल्कुल स्कोर करेंगे सब्जेक्ट में। एंड आई हैव स्कोर दिस, तभी मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़। ठीक है, अब आते हैं हम 7 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी 7 टाइप ऑफ ट्रेनिंग थी जो एलिफेंट्स को वहां पे कराई जाती थी? पहला है अपीरियंस, इसको बोलते हैं हम हिंदी में उपस्थान। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अग्र और जो पृष्ठ भाग होता है यानी कि आगे और पीछे वाला भाग होता है, उसके अवयवों को नीचे ऊपर करना। ठीक है, उनको अवयवों को उनके नीचे ऊपर करना तथा ध्वजा, ठीक है, उनका बांस और रस्सी आदि का लांगना। ठीक है, उसी को बांस और रस्सी का यूज करके उसे लांगना फांदना, ये होता है अपीरियंस में। ठीक है, रोटेशन, सर्वतन बोलते हैं इसको, सवरतन। ओके, इसमें क्या होता है? सो जाना, बैठ जाना, भिन्न भिन्न चीजों को लांगना तथा भूभी संबंधी काम करना, इसमें रोटेशन में ये होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सीधा, तिरछा, गोमूत्रिकार अथवा गोलाकार गति करना। ठीक है, जो गोल जितने भी गति होते हैं वो इन मोशन में आ जाते हैं। स्लॉटरिंग में क्या था? स्लॉटरिंग मतलब होता है वधावध। अब वधावध मतलब क्या होता है भाई? इसमें मारताड़ करना, यही है इसमें, यानी कि सूंड, दांत और शरीर जितने भी हैं इनसे पैदल सेना है उनको मारना, पकड़ना। ठीक है, ये जो काम होते हैं वो इस स्लॉटरिंग में आ जाते हैं। मार धाड़ वाला जितने भी काम होते हैं वो सारे आपके स्लॉटरिंग में आ जाते हैं। ठीक है, फाइटिंग विद द सिमिलर एलिफेंट्स, यानी कि सिमिलर एलिफेंट्स का मतलब क्या होता है? सिमिलर एलिफेंट्स का मतलब होता है कि जो भी शत्रु की सेना है यानी कि एनिमी आर्मी है, उसमें जो सिमिलर एलिफेंट्स होंगे उन्हीं के साथ फाइट करना। तो डेफिनेटली आप अगर किसी भी जगह लड़ने जा रहे हैं तो आप अपने लेवल के लोगों से ही लड़ेंगे वहां पे जाके। ठीक है, ये नहीं है कि एक सैनिक है वो जाके सीधा राजा के पास चला गया कि भाई मैं तुम्हें मारूंगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो जो एलिफेंट्स है वो एलिफेंट से लड़ते थे, जो आपके हॉर्सेस हैं वो हॉर्सेस से, तो इस तरह का इनका कुछ रूल हुआ करता था। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 6th पॉइंट, नागरापण में क्या होता है? यानी कि ये वाला जो पॉइंट है आपका 6th पॉइंट, नागरापण बोलते हैं इसको हिंदी में। इसमें क्या होता था? दुर्ग जो फोर्ट होते थे उसके प्रकारों तथा द्वारों को तोड़ना। ठीक है, यानी कि फोर्ट्स का जो तोड़फोड़ होती थी उसकी डेमोलिशन, यानी कि डेमोलिशन मतलब तोड़फोड़ जो होती थी फोर्टिफिकेशन की। फोर्टिफिकेशन मतलब आपका दुर्ग, जो हिंदी में मैं बता रही हूँ आपको, और उनके जो गेट्स होते थे उसको तोड़ना फोड़ना।
एंड लास्ट पॉइंट आ जाता है संग्रामिक। संग्रामिक तो यार सबको मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा, संग्राम, संग्राम से क्या होता है, संग्राम मतलब आपका वॉर, ठीक है। तो युद्ध क्षेत्र में जो प्रकट रूप से अगर युद्ध करता है कोई बंदा, तो वो भाई संग्राम हो जाता है, यानी कि बैटल इन द वॉर जोन। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ आया होगा, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, एंड मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा यार बहुत मेहनत तो लगती है, ठीक है, मेहनत लगती है। इसीलिए अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, और हमारे चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी, एंड डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट नोट्स जो है वो प्रोवाइड ज़रूर करूंगी। तो मैं विश करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा, और जो चीज़ आपको नहीं समझ आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाउन बिलो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो इसमें जो भी आप प्रॉब्लम बताएंगे, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाएगा, और आपको बढ़िया से बढ़िया नोट्स जो भी है, मैं बढ़िया तरीके से इसको समझाने पूरी की पूरी मेहनत ज़रूर करूंगी। ओके, तो थैंक यू सो मच, दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।